से तरह तरह के शेप्स देकर उन्हें बर्तनों, सुराई या मटके की तरह इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि इस क्ले पॉटरी से डेकोरेटिव कैंडल स्टैंड्स कैसे बनाए जाते हैं। क्ले से बने मॉडल को सुखाकर भट्टी में बेक किया जाता है और ग्लेज्ड फिनिशिंग करके डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फाइन ग्रेन नेचुरल रॉक और सॉइल मिनरल्स का मिक्सचर क्ले एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो जमीन से मिलता है। पॉटरी के लिए सबसे पहले गर्मियों के सीजन में खुले मैदानों और सूखी झीलों से क्ले इकट्ठा किया जाता है, जिसे साल भर के लिए स्टोर करते हैं। स्टोर क्ले को धूप में सुखाकर स्टिक से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को छलनी से छानते हैं ताकि महीन क्ले मिले। छलनी में बचे मोटे टुकड़ों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है ताकि छोटे पत्थर अलग हो जाएं और लिक्विड क्ले बकेट में कलेक्ट हो जाए। अब इस लिक्विड क्ले को बड़े कपड़े पर 6 से 7 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है ताकि इसका पानी इवेपोरेट हो जाए। पहले छानी हुई सूखी क्ले को सेमी वेट क्ले में मिलाकर गूंथे हुए आटे की तरह बनाते हैं ताकि क्ले को उतनी हार्डनेस मिले कि टर्निंग व्हील पर काम किया जा सके। डो बनाने के बाद क्ले को एक बार फिर 10 से 15 दिनों के लिए सेट होने छोड़ देते हैं। इसके बाद पैरों और हाथों से क्ले को और अच्छे से गूंथा जाता है ताकि उससे पूरी तरह से एयर बबल्स निकाले जाएं। फिर क्ले के ऐसे ब्लॉक बनाए जाते हैं। अब शुरू होता है व्हील पर क्ले को शेप देने का काम। यहां पर इलेक्ट्रिक व्हील यूज हो रही है। व्हील के ठीक सेंटर पर क्ले ब्लॉक को सेट करते हैं। व्हील्स ऑन होते ही पॉटर अपने हाथों का कमाल दिखाते हैं। घूमते हुए क्ले के ब्लॉक को हल्का पानी डालकर और हाथों को सॉफ्टली प्रेस करके शेप दी जाती है। ये बेहद पेशेंस और सावधानी से करने वाला काम है, जिसमें पॉटर की उंगलियां और थंब की पोजीशन और मूवमेंट पॉट डिजाइन में मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पर पॉटर टी लाइट बना रहा है, जिसे शेप देने के लिए वो स्पंज और स्टील ब्लेड यूज करता है। पॉट तैयार होने के बाद एक पतले धागे से टी लाइट का बॉटम काटते हैं और व्हील रोककर पॉट हटा लिया जाता है। अब तैयार टी लाइट की फिनिशिंग की जाती है, जिसके लिए एक प्रीमेड पॉट या पुड़ी को पहिए पर ठीक सेंटर पर सेट करते हैं। तैयार टी लाइट बॉटल को पुड़ी की ओपन साइड से अंदर अपसाइड डाउन सेट किया जाता है। एक ब्रास टूल जिसे काबुली कहते हैं, उसकी हेल्प से एक्स्ट्रा क्ले हटाई जाती है, जिससे पॉट को फाइन शेप मिलता है। अब एक ग्लेड से टी लाइट का बॉटम काट कर अलग करते हैं। फिर स्टोन बर्निशिंग की जाती है ताकि पॉट से सभी फिंगरप्रिंट्स हट सके। टी लाइट को ब्यूटीफुल कटवर्क दिया जाता है। अब इसे 8 से 10 दिनों तक शेड में सूखने देते हैं। फिर पहाड़ों से इकट्ठा की गई रेड क्ले में पानी मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं और कंप्रेसर से टी लाइट पर स्प्रे करते हैं। इस आउटर कोटिंग को सूखने देते हैं। इस टी लाइट को शेडेड फिनिश देने के लिए एक दूसरे पॉट में रखते हैं। आसपास लकड़ी के टुकड़े और उपले सेट करते हैं। जलने के बाद ये राख बन जाएंगे और टी लाइट को देंगे शेडेड फिनिशिंग। इस भट्टी में टी लाइट को 5 से 6 घंटे तक बेक करते हैं और इससे टी लाइट को स्ट्रेंथ भी मिलती है।
डॉक्टर के हाथों की नजाकत और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का रिजल्ट है ये दिल छूने वाली क्ले पॉटरी। रॉ मिट्टी से ऐसे खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स बनाने का ये प्रोसेस वाकई लाजवाब है। Pacific. और आप देख रहे हैं डिस्कवरी साइंस।